सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में जो है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल पे जो है एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग जो हैं इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। और मैंने जो है इसकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी है। इसकी डेट जो है पहले जो है आपका ये 12 मार्च से लेकर के जो है आपका जो है 18 मार्च तक की इसकी डेट थी, लेकिन अब जो है मैंने डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। आप 31 मार्च 2018 तक जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो विनर के नाम जो मैं अनाउंस करूंगा वो मैं आपका 1 अप्रैल 2018 को जो है जो विनर है उनके नाम मैं अनाउंस करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो आप जब आप खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी आप बोलें कि इसमें पार्टिसिपेट करना है। कुछ नहीं, सिर्फ जनरल से सिंपल जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप उस प्राइज को जीतें। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.learningengineers.com, तो आपको मेरी वेबसाइट पे जो है गिव अवे कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। आप उस पेज पे जाकर के जो है उसमें अपना जो प्रोसीजर है उसको पहले आप देख लें अच्छे से, किस तरीके से उसमें आपने अप्लाई करना है। इसके ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आपने जो है इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तो आप पहले उस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद जो आप इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में फिर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वेबसाइट के पेज पे दी है गिव अवे से रिलेटेड, आप उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद जो है आप गिव अवे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात तो हुई गिव अवे की, और अब बात करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में जो है एक एडमिशन के ब्राउचर के बारे में। एक्चुअल में एक यूनिवर्सिटी है जिसने कि अभी ही अपना जो है एडमिशन ब्राउचर निकाला है, और स्लाइट सेट 2018 के नाम से जो है ये ब्राउचर निकाला है। तो जो यूनिवर्सिटी है जिसने एडमिशन के लिए ब्राउचर निकाला सेट, उसका यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो है आपका सेंट लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो स्लाइट जो आपका यूनिवर्सिटी है इसने जो है अभी 12th के जो है बच्चे जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं CBSE बोर्ड के। तो अगर वो बच्चे जो हैं सोच रहे हैं कि हम जो है डिप्लोमा 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लें, तो बच्चे जो हैं इस यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई कर सकते हैं, अभी फॉर्म निकले हैं। तो और दूसरी बात है कि जिन बच्चों ने जो है अपना ITI किया है, मतलब ITI करने के बाद अगर वो सोचें कि हम डिप्लोमा कर लेंगे, डिप्लोमा का कोई सर्टिफिकेट वगैरह हम ले लें, तो वो बच्चे भी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने डिप्लोमा पास आउट कर लिया है, वो बच्चे अगर चाहते हैं कि हम लेटर एंट्री के थ्रू जो है बी में जो है सेकेंडरी में एडमिशन ले लें और रेगुलर स्टडी कर लें, तो वो बच्चे भी जो है इसमें लेटर एंट्री के थ्रू जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 10+2 जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यही है कि वो JEE मेन का एग्ज़ाम देंगे, उसके हिसाब से जो है इस यूनिवर्सिटी में जो है उनकी सीटें हैं, तो उनका जो होगा वो रैंक के भी आप पे ही होगा JEE मेन के एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है। तो और भी एडमिशन्स हैं आपका M.TECH के लिए भी है, आप PhD के लिए भी है। तो आपको जो मैं अपने सिस्टम पे लेके चलता हूँ और आपको जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो है और इसके एडमिशन ब्राउचर के बारे में और कौन कौन सी जो आपका लाइन में जो है इसमें जो है एडमिशन्स आप ले सकते हैं या कौन कौन सी ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से हायर एजुकेशन के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, तो मैं अपने सिस्टम पे आपको ले चलता हूँ और उस पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं। Thank you.
स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको दिखाया कि जो सेंट लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ये आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में जो है एडमिशन दे रही है। तो आपने इसमें अप्लाई करने से पहले, एडमिशन्स के लिए फॉर्म को फिल करने से पहले, ये आप जो है पहले इस ब्राउचर को, जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उस कोर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उस कोर्स के बारे में पहले आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो इसमें आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है, उन सब इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जो आप इस पर फिर ऑनलाइन अप्लाई करें। तो मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ, और जो आपका जो ब्राउचर है उसका जो लिंक है वो भी मैंने आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप डायरेक्ट जो है जो यूनिवर्सिटी उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज की वीडियो में ऐसे इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।